हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाइपर भी शो नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एडिशन है कौन सा है। तो हम सबसे पहले दिस पीसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एडिशन है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज है, ठीक है। और हम सबसे पहले जाएंगे टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर हम यहाँ से भी जा सकते हैं और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट स्कैप, ठीक है। और हम यहाँ जाएंगे परफॉर्मेंस में और सीपीयू में जाकर के यहाँ चेक करेंगे तो देखिए लिखा है वर्चुअलाइजेशन इनेबल है। अगर ये डिसेबल होता तो आपको जा कर के सबसे पहले बायोस में वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बायोस में नहीं जाएंगे, आप जा कर के कर लेना, ठीक है। और एक और चीज़, इसको हम इनेबल कर लेंगे और यहाँ ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। पहली बार आप करते हैं तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में और फिर आपको रिबूट भी करना पड़ता है। इसके बावजूद भी आपका अगर आपका हाइपर वी शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए कमांड है, ये कमांड है। इस कमांड को हम सेव कर लेंगे यहाँ पे हम डॉट बैट के नाम से, ठीक है। और यहाँ जैसे हम सेव करेंगे तो हमारा इस तरह का सिंबल आ जाएगा। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से हम रन कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा रन हो रहा है। ये जो कमांड है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से वहाँ से लेकर के अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, हाइपर भी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं कि प्रेस एनी की, ठीक है। और एक बार हम रिबूट कर लेंगे तो हमारा ये शो कर जाएगा हाइपर भी, ठीक है।